News 18, India. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में दोपहर 12:15 चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण होना है। 12:15 का समय मिला है, उसके बाद जो उनको टाइम मिला है 10 दिन के भीतर उनको बहुमत साबित करना है। तो दोपहर 12:15 चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इस बीच बसंत सोरेन बनाए जा सकते डिप्टी सीएम, तो हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई है बसंत सोरेन, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये भी खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पर सियासी संकट झारखंड में आया था, बसंत सोरेन थोड़े नाराज चल रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल पा रही है कि चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई है वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 12:15 चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद के तौर पर यहाँ पर शपथ लेंगे, लेकिन बसंत सोरेन जो छोटे भाई हेमंत सोरेन के वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि परिवार के लोग ही दगा दे सकते थे जो पूरा सियासी घटनाक्रम झारखंड में रहा है। ऐसे में यहाँ पर परिवार के लोगों को भी साथ लेने की कोशिश की गई है, उन्हीं का विरोध था जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आया था। ऐसे में ये एक तरीके से स्ट्रोक खेला गया है जेएमएम की तरफ से, ताकि सभी लोगों को साधा जा सके। आर ओत लेने के पहले हम गुरुजी आ माताजी से हम आशीर्वाद लेने आया था। ये झारखंड आंदोलन के समय हम संघर्ष में आया और उस उन्हीं का शिष्य हूँ मैं, और जो गुरुजी का आदर्श है उनका, जो झारखंड आंदोलन के समय से जो संघर्ष करके यहाँ का जनता को संवारने के लिए, यहाँ का जनता को उभरने के लिए जो संघर्ष किया है, उसी आदर्श को लेके हम चलते हैं। इसलिए हम जो आज ओत लेने के पहले हमारा दिशम गुरु शिबू सोरेन उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, आप ही ने न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाया था शपथ ग्रहण का समय, उस पर मोहर लगती हुई दिख रही है, और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी राजभवन की तरफ से ये कन्फर्म किया गया है कि 12:15 पर चंपई सोरेन पहुंचेंगे राजभवन, जहां पर वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, और साथ ही उनके दो और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं कैबिनेट के लिए, और उसके बाद फिर आगे विस्तार होगा। जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक टाइम कंफर्म कर दिया गया है, और उसी को लेकर अभी चंपई सोरेन यहां पर पहुंचे थे। गुरुजी जो झारखंड के कहे जाते हैं शिबू सोरेन, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके और उनके पत्नी से आशीर्वाद लेकर, और वो यहां से निकल चुके हैं, सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। तो अब वो वक्त आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था पिछले 36 घंटे से। लगातार चंपई सोरेन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राजभवन के से वक्त नहीं मिल रहा है कि वो शपथ ग्रहण कर सके, क्योंकि जैसे ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था उसी वक्त तमाम विधायकों का सिग्नेचर जो है वो पहुंच गया था, और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दावा पेश किया गया था, लेकिन राजभवन से वक्त नहीं मिल पाया था, जिसके बाद तमाम विधायक जो है वो बैठकर इंतजार कर रहे थे सर्किट हाउस में। कई विधायकों को यहाँ से शिफ्ट करने की भी बात की जा रही थी हैदराबाद से, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर है चंपई सोरेन, जिनका राजतिलक होने जा रहा है, अब बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि परिवार में सब कुछ ठीक है, ये भी साफ हो जाएगा? फिलहाल शुक्रिया आपका।